नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप सभी अच्छे होंगे तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिशरीज़ ऑफिसर पोस्ट को नाइन सेवन एट का पेपर जो कि एच द्वारा दस दिसंबर दो हज़ार बाईस को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था तो उसका हम जी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो चलिए देखिए एच पी से हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पर पूछा गया है वट इज की की क्या है तो की एक बौद्ध मठ है बोधिस्ट मोनेस्टी डी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लोसर इज ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश लोसर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है लोसर त्यौहार मनाया जाता है चित्रकला की कांगड़ा शैली किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी तो ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी संसार चंद के शासन काल में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश भेंट एंड बिहागरा आर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भेंट दिहागरा क्या है तो ये एक धार्मिक गीता है रिलीजियस सॉन्ग है फोक सॉन्ग है हिमाचल का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा रिलीजियस सॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन द पाश्चर इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन नाइनटीन हंड्रेड इज लोकेटेड एट बिच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश उन्नीस सौ ईस्वी में स्थापित पाश्चर इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है तो ये स्थित है कसौली में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान एवं वानिकी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर स्थित है तो ये नौनी सोलन में स्थित है ऑप्शन नंबर ए नौनी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गमगुल सियावेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गमगुल सियाबेही वन्यजीव अभ्यारण जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है गमगुल सियावेही ये स्थित है चंबा डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए व्हाट वाज द कॉन्फेड्रेशी ऑफ सिक्स रिपब्लिक्स इन द महाभारत एंड अदर बुक नोन एज महाभारत है अन्य किताबों में उल्लेखित छह गणराज्यों का संघ किससे जाना जाता था तो ये जाना जाता था त्रिगर्त ये ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बैंडो पॉपुलर मिनिस्टर मिनिस्ट्री हेडेड परमार एज्यूम ऑफिस इन द पार्टसी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाई एस परमार की अध्यक्षता वाले लोकप्रिय मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट राज्य में कार्यभार कब ग्रहण किया वाई एस प्रमान जी ने कार्यभार ग्रहण किया था चौबीस मार्च उन्नीस को ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा सेवनटीन क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन विच रूलर एक्सपेंडेड द टेरिटरी ऑफ हिज प्रिंसली स्टेट आफ्टर द डिस इंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात की शासक ने अपनी रियासत की सीमा को बढ़ाया था घमंड चंद ने बढ़ाया था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा घमंड चंद नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर

बिच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर पूछी गई है तो सबसे बड़ी नदी जो है वो है चिनाब नदी और लंबी नदी जो हो हो है वो सतलुज ने डल लेक इज लोकेटेड एट बीच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश डल झील हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सिद्ध है तो ये धर्मशाला में सिद्ध है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट पूछा गया है बिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है ये भी आसान क्वेश्चन लाहौल स्पीति में सबसे कम जनसंख्या है बी ऑप्शन राइट आंसर अब नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री सेक्शन क्वेश्चन uh, नंबर ट्वेंटी फोर पैलीलिथिक रिमेंस हैव बीन डिस्कवर्ड इन पूरा पाषाण अवशेष किस में पाए गए हैं ये पाए गए हैं बेल्लारी में बेलारी डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आगे पूछा गया है राइट बिलीव राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन आर द थ्री ज्वेल्स ऑफ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या किसके तीन रत्न हैं ये हैं जैन धर्म के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जैन नेक्स्ट देखिए हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड हैड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी फाइव ईयर्स न्यून में से कौन सा शासक प्रति पांच वर्ष बाद प्रयागराज में एक धार्मिक सभा आयोजित करता था तो वो वाला शासक था हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए द सिस्टम ऑफ फिलोसफी विद विच द नेम ऑफ कपिला इज प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड दर्शन का वाद जिसके साथ कपिल का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है वो है सांख्य ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ट्रू ऑफ द मुगल आर्मी मुगल सेना के लिए कौन सा सत्य नहीं है तो इसके लिए जो स्टेटमेंट गलत है वो है इट वॉज अ लाल स्टैंडिंग आर्मी वह एक बड़ी स्थायी सेना थी ये वाला स्टेटमेंट जो है ये मुगल सेना के लिए गलत है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विश वॉडी गार्ड ऑफ शिवाजीड हिम ड्यूरिंग अफजल खान से बच निकलने के लिए प्रसिद्ध प्रयत्न में शिवाजी के किस अंग रक्षक ने उनका साथ दिया वो थे शंबुजी कावजी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाकाटाक बिलोंग टू दीरियड ऑफ वाकाटा किसके काल से संबंधित है तो वाकाटाक संबंधित है गुप्त काल से ऑप्शन नंबर बी गुप्तों से राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिड नॉट एनवी असहयोग आंदोलन ने किस पर जोर नहीं दिया असहयोग आंदोलन ने इसने जोर नहीं दिया था डिलीवरेट वायलेशन ऑफ लॉस यानी कि विमर्श पूर्वक कानून का उल्लंघन इस पर जोर नहीं दिया था बी ऑप्शन राइट आंसर होगा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय राज्य के प्रति समामेलन तथा विवर्धन की नीति का प्रत्याग किसके अंतर्गत आया यह आया भारत सरकार अधिनियम अठारह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट एट इट्स सेशन हेल्ड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस जगह आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया था लाहौर अधिवेशन में अपनाया था ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा लाहौर नेक्स्ट देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर देखिए पॉलिटी वाला सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्षमा है ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में सी ऑप्शन राइट आंसर भारत का संविधान तो right पार्ट ऑफ इट इसके अविभाज्य भाग के रूप में न्यायिकोकन पुन्र, उपलब्ध करवाता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट right आंसर है uh, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तीस वर्ष होनी चाहिए डी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट देखिए एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईदर हाउस ऑफ पार्लियमेंट कैन बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हाट ही हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ आयदर हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ इनके एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है परंतु उस व्यक्ति को किस मई के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा तो उसके लिए छः महीने के अंदर अंदर उसको किसी सदस्य का सदन का सदस्य बनना होगा सिक्स मंथ यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट uh, पूछा गया है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाई लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है तो ये होता है ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा सी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेजिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति की उद्घोषणा किस मामले में कर सकता है तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति की उद्घोषणा कर सकता है uh,

दसवीं अनुसूची में शामिल है दल बदल के आधार पर निर्भरता से संदर्भित प्रावधान प्रोविजन रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए पंचायती पंचायती राज सिस्टम इज राज तंत्र है पंचायती राज तंत्र है एस्टैब्लिश टू एसिस्ट, एसिस्ट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार के कार्यो में सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित है ये सी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का अर्थ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसकी अवधारणा का अर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का समकालिक अस्तित्व डी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल सकल घरेलू उत्पाद को इस रूप में परिभाषित किया जाता है तो उसको परिभाषित किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी इन ईयर एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामग्री एवं सेवाएं डी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इज नॉट अ मेजर टू चेक मनी सप्लाई इन मार्केट कौन सा बाजार में धन आपूर्ति के नियंत्रण का साधन नहीं है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है बट डी ऑप्शन जो इसका राइट right आंसर लग रहा है अगर आपको इसका कंप्लीट आंसर पता हो तो प्लीज शेयर करें कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस इन्वेस्टमेंट इज अनिवेश है अनिवेश है सरकारी अंशों का निजी कंपनियों का को उभारण ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर टू प्राइवेट कंपनीज बी ऑप्शन होगा अर्थ है गवर्नमेंट no इसमें कर जाता था सरकार के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है ए ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए जियोग्राफी सेक्शन द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान कितना मापा गया है 6000 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड ग्रीन विच टाइम वन डिग्री लॉन्जीट्यूड स्थानीय समय तथा ग्रीन विच समय एक डिग्री देशांतर के मध्य कितना अंतर है फोर मिनट्स का चार मिनट का अंतर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट यहां पर पूछा गया है ओटीईसी स्टैंड फॉर ओ टी सी का पूर्ण रूप क्या है तो ओ सी की फुल फॉर्म है ओसिन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं वो है फाइव राज्य हैं फाइव स्टेट्स जो हैं उनकी सीमा लगती है नेपाल के साथ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज अवॉर्ड भारत की तट रेखा लगभग डैश है तो बात की जो तट रेखा लगभग है वो ये है सात हजार पांच सौ किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइस्ट पीक इन इंडिया भारत की सर्वोच्च चोटी तो भारत की जो हाइएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है नासिक डी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट देखिए द ट्रॉपिकल प्लांट्स स्पेशल टू द डेकन प्लेट्यू इज दक्कन के पठारों में विशेषता पाए जाने वाला उष्ण कटिबंधित पादप है सैंडलवुड चंदन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट uh, पूछा गया था अनदर नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज भारत में हरित क्रांति के लिए दूसरा नाम इसके लिए हरित क्रांति के लिए दूसरा नाम है सीड फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन रेवोल्यूशन बीज उर्वरक का सिंचाई क्रांति ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है बी ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट साइंस सेक्शन यहां पर 59 नाइन क्वेश्चन पूछा गया है स्वीटेक्स यूज बाय द डायबेटिक पेशेंट हैज एनर्जी कंपोनेंट ऑफ मधुमेह के रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वीटेक्स में कितने ऊर्जा घटक होते हैं जीरो कैलोरी के शून्य कैलोरी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रूपांतरित करता है लीवर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्यूब्रोकलॉसिस क्षय रोग किसके कारण होता है बैक्टीरिया के द्वारा जीवाणु के द्वारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए एन इमेज अ मिरर ऑन स्क्रीन स्क्रीन इज पर अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को क्या कहते हैं इसे कहते हैं रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एन आइस ब्लॉक विद अ पीस ऑफ लेड एम्बेडेड इन इट्स फ्लोट इन वाटर इफ आइस मेल्ट द वाटर लेवल एक बर्फ का पिंडक जिसमें एक शीशे का टुकड़ा अंतर स्थापित किया गया है पानी में तैरता है यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर तो इसमें शायद इसका डी वाला सही हो सकता है लग रहा है बट देखते हैं आंसर की में क्या आंसर आता है फॉल्स फर्स्ट एंड देन राइजेस पहले घटता है फिर बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम वैन टेकन टू द मून वुड एक लोलक का अवर्तकाल जब उसे चांद पर ले जाया जाए तब तो उसका अवर्तकाल जो हो इंक्रीज होगा बढ़ता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इन डायरेक्ट करंट वाई यूजिंग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके उपयोग द्वारा बदला जाता है तो इसको बदला जाता है दृष्टकार यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट ट्रू अबाउट एक्स रे कौन सा एक्स किरणों के, के बारे में सत्य नहीं है तो इसमें देखिए लो पावर ये जो है इसके बारे में ये सही स्टेटमेंट नहीं है तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा लो पावर नेक्स्ट देखिए द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन हार्ड पेस मेकर हृदयग्रति प्रेरकों में कौन सा रेडियो धर्मी तत्व तो उपयोग किया जाता है प्लूटोनियम ही किया जाता है ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम नेक्स्ट देखिए विच गैस इज यूज एज फायर एग्जिटिंग अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस का उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है सी ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन पर पूछे गए हैं इज द द नेम ऑफ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाई इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्टैंडर्ड इन यूक्रेन यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हाल ही में भारत द्वारा आरंभ की गई पहल का क्या नाम है तो उस पहल का नाम है ऑपरेशन गंगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर

नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च मिलिट्री सेटेलाइट नूर टू इंटू द ऑर्बिट किस देश ने हाल ही में सैन्य सेटेलाइट नूर टू को परिक्रमा पथ में लॉन्च किया ईरान ने किया था ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी हॉस्टर ट्वेंटी ट्वेंटी टू मीटिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस शहर ने दो हजार बाईस की कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैविक विविधता पर सम्मेलन सभा की मेज़बानी की तो इस सम्मेलन की मेज़बानी की है जिनेवा ने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी जल्दी ही मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली